शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजारों की चाल में आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कृषि फसल बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार NCDEX कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मसालों की। तो हम देख रहे हैं कि धनिया का अप्रैल वायदा 11,000 के ऊपर है, 11,042 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 11,140 का हाई लगा चुका है, 0.25% की तेजी है। वहीं पर बात करें जीरे की, तो जीरे का मार्च वायदा देख रहे हैं 21,460 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 21,540 का हाई भी लगा चुका है, लगभग 2% की तेजी आज जीरे में देखने को मिली है। इसी तरह से बात करें हल्दी की, तो हल्दी 9,800 के ऊपर कारोबार कर रही है। देख रहे हैं कि हल्दी के मुकाबले धनिया और जीरा काफी शानदार तेजी के साथ कारोबार करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या यहां से अब धनिया और जीरे में आगे तेजी ही बनी रहेगी या फिर यहां से गिरावट का दौर भी देखने को मिलेगा, जान लेते अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। नमस्कार अजय जी, सबसे पहले आपसे मसालों के ऊपर बात करना चाहूंगा। जैसा कि आपने बताया था कि जीरा और धनिया में हल्दी के मुकाबले ज्यादा तेजी रहेगी, बिल्कुल वैसा होते हुए देख रहे हैं, आपके लेवल्स भी अचीव होते हुए नजर आ चुके हैं। अब यहां से आपको क्या लगता है, क्या यहां से एक तरफा तेजी बनी रहेगी या फिर यहां से मसालों में गिरावट की भी संभावना है? देखिए, गिरावट का रूप नहीं बोलूंगा मैं बोलूंगा करेक्शन थोड़ा सा दिखा सकते हैं, बिकॉज जनवरी से अभी तक अगर हम देखें तो करीबन 30% की तेजी हमने जीरे में देखी, मोटा मोटी धनिया में भी उतनी तेजी आई है। अब जो कंसर्न है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि गल्फ फूड का अनुमान रहेगा वो हमने देखा काफी अच्छा हुआ, इंक्वायरीज तो काफी थी बट जो क्वांटिटी ऑर्डर के थे वो वहां पे सुनने में आया कि ज्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि जो फ्रेट चार्जेस है वो इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा कंसर्निंग है। मतलब जो ऑर्डर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 1,000 मैट्रिक टन का, उसी जगह पे 200-250 मैट्रिक टन पे ही काम चलाना पड़ रहा है। साथ में अगले महीने से हम नई क्रॉप भी आते हुए देखेंगे। लोगों का कहना है सर इतनी बड़े फंडामेंटल न्यूज है कि सोइंग खराब है, सोइंग कम हुई है, वेदर कंडीशन खराब हो गया, उसके डैमेजेस है, तो ये सब चीज पहले से ही मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। हमने ये चीज आपके चैनल पे नवंबर दिसंबर में पहले ही कहा था कि मौसम भी खराब होगा, सोइंग भी कम होगी और भाव में जबरदस्त तेजी आएगी जो 15 जनवरी से 20 फरवरी के बीच में मिलेगी, और एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। अब मुझे लगता है दिस इज द टाइम कि यहाँ पे आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, हाथ में रखना चाहिए माल, क्योंकि आगे भी आउटलुक पॉजिटिव है, जहाँ पे जीरे में 25,000 तक का लेवल या उसके बियॉन्ड भी देख रहे हैं। बट अभी सलाह रहेगी 21,500 के भाव में एक बार प्रॉफिट बुक करके कम कर लीजिए पोजीशन, 20-30% ही रखिए। जो नीचे में मुझे लगता है 19,500 तक का लेवल एक बार मिलना चाहिए, वहां पे आपकी फ्रेश बाइंग बनेगी वापस, जो जून एंड तक हम 25,000 देखेंगे। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए, करंट लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है जी। इसी के साथ अजय जी बात करें यहाँ से अगर कॉटन की, तो M6 कॉटन में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 38,000 का जो ऊपर वहां से अब यहाँ पे करेक्शन बनते हुए देख रहे हैं हम, 37 में भी नीचे अब रेंज देखने को मिल चुकी है, तो ऐसे में क्या करेक्शन थोड़ी और नीचे जानी चाहिए या फिर यहाँ से भी बाइंग इनिशिएट हो सकती है? देखिए, कॉटन तो मुझे लगता है 2022 में कंटिन्यू तेज ही रहेगा जी, रिसेंटली हमने जो बड़ी तेजी देखी है उसके बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट होना चाहिए। तो आई थिंक अगर रेशियो के चार्ट को अगर आप थोड़ा सा अच्छे से देखोगे तो वहां पे समझ में आएगा, जैसे कॉटन की रॉयल केक में तेजी दिखाई दे रही है बट कॉटन कंसोलिडेशन का एक रूप दिखा रहा है। तो आई थिंक ऊपर में हमारा टारगेट तो 40,000 का है, बट एज ऑफ नाउ हम लोग देख रहे हैं कि जिस ढंग से हमारा जो रेट बढ़े हैं कंसोलिडेशन वहां से, जो 35,500-36,000 तक का लेवल आना चाहिए, तो थोड़ा कॉटन में वेट करना चाहिए। ओवरऑल सही है, लेकिन एक बार नीचे थोड़ा करेक्शन दे सकता है, अपसाइड में मैक्सिमम जो लग रहा है वो 40,000 तक का लेवल जी। इसी के साथ अजय जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में आपको क्या लग रहा है, क्या अभी भी बिनौला खल ऐसी एक रेंज बाउंड मिल रहेगा? देखिए, बिनौला खल के लिए मैंने पहले भी कहा था
के चार्ज 3,000 से 3,400 के बीच में ही मार्केट मूव करता हुआ दिखेगा। और अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 15 दिन के अंदर हमने ना 3,000 के नीचे जाते हुए देखा मार्केट को, और ना ही हमने मार्केट को कहीं पे बड़ा मोमेंटम आते हुए देखा। तो टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में ही चलता हुआ दिखेगा, जो ओवरऑल 3,400 का लेवल जब तक नहीं काटता है मार्केट एक रेंज में ही रहेगा। ओवरऑल 3,100-3,150 का जो रेंज है इस रेंज में लेके ही चलना चाहिए। जो अपसाइड में 3,400 का लेवल तोड़कर 3,650 से लेके 3,850 का पहला लेवल और अल्टीमेटली जो 4,000 के लेवल मैंने बताए थे वहां तक मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी अजय जी, बात करें कैसे सीड की, तो कैसे सीड में जब आपसे आखिरी बार बात हुई थी इंटरव्यू के दौरान, तो आपने उस समय बताया था कि कैसे सीड में अब बाकी कम्युनिटीज के मुकाबले काफी शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। हम वैसी तेजी आते हुए भी देख रहे हैं, 7,000 के ऊपर के भी लेवल्स कैसे में देखने को मिल चुके हैं। अब आपको यहाँ से क्या लगता है, अगर 7,000 के ऊपर कैसे सस्टेन होता है तो आगे अब यहाँ से कीमतें क्या रह सकती हैं? देखिए कैस्टर में मुझे लगता है कि फंडामेंटल काफी मजबूत है और उसी को देखते हुए आज 7,000 का लेवल भी छूटा हुआ दिखाई दिया, क्रॉस पर थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है जो मुझे लगता है कि मेन फैक्टर रहेगा। इंडस्ट्रियल डिमांड भी आगे धीरे धीरे बढ़ता हुआ ही दिखेगा, तो आई थिंक मार्केट में अंदर 7,150 का इंपॉर्टेंट हर्डल है। एक बार पहले 7,150 का लेवल तोड़ देता है तो मुझे लगता है 8,000 से पहले ये भाव रुकने नहीं चाहिए। अगले महीने से अराइवल्स भी रहेंगे तो थोड़ा बहुत करेक्शन दे सकता है मार्केट, बट 6,700-6,800 का अच्छा लेवल है यहाँ पे बाइंग करके के लिए। करंट मार्केट पे बाय कर सकते हैं, हाथ में कोई ना कोई माल रहना चाहिए जो आप साइड में ओवरऑल आपको अगले 1.5-2 महीने की अवधि की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि 7,500-8,000 तक का लेवल आराम से दिखा देगा। जी, तो यानी कि कैस्टर में काफी शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। अजय जी के मुताबिक फंडामेंटल्स मजबूती की ओर है जो कैस्टर को तेजी की ओर लेके जा सकते हैं। इसी के साथ अजय जी बात करें यहाँ से अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में भी आपने तेजी ही बताई थी कि सोयाबीन में तेजी देखने को मिल सकती है। फंडामेंटल्स में देख रहे हैं कि जोपा ने कुछ उत्पादन अनुमान में कटौती तो की है, लेकिन विदेशों में जो ड्राउट सिचुएशंस देखने को मिल रहे हैं ब्राजील और अर्जेंटीना में, उसका ज्यादा असर सोयाबीन पर देखने को मिला है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, ये जो US सोयाबीन वायदा उछला है इसकी वजह से, तो क्या आगे कीमतों को और भी सपोर्ट मिलता रहेगा, और क्या बाकी कम्युनिटीज की तरह ही सोयाबीन भी अच्छी तेजी की ओर जाएगी? बिल्कुल, देखो फंडामेंटल काफी मजबूत है, जीवन से अराइवल आना चाहिए था नवंबर दिसंबर में, वैसा कुछ दिखाई नहीं दिया जिसके चलते हमने एक अच्छी खासी रैली भी देखी। नो डाउट थोड़ा कंसर्न है गवर्नमेंट के टैक्स लेकर जिसकी वजह से मार्केट ज्यादा बढ़ नहीं पा रहा है, बट इंटरनेशनल में आप देख सकते हैं एक तरफ तो हम लोग ड्रॉट कंडीशन या अराइवल प्रोडक्शन में लॉसेस देख रहे जिसकी वजह से सपोर्ट मिल रहा है, चाइना कंटिन्यू बाय कर रहा है, पर सबसे बड़ा काम है वो है क्रूड ऑयल का, बिकॉज क्रूड में जो तेजी बनी हुई है जियो पॉलिटिकल टेंशन के चलते उसका सीधा सीधा सपोर्ट पाम ऑयल को मिल रहा है और पाम ऑयल का सपोर्ट सोया ऑयल को मिल रहा है, और सोया ऑयल की तेजी की वजह से हम देख रहे हैं कि सोया मस्टर्ड सभी ऑयल चीज में हमने एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखी है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि सोयाबीन में डोमेस्टिक मार्केट में तेजी कंटिन्यू रहेगी। एज ऑफ नाउ थोड़ा सा कंसर्न इसलिए कर रहा है क्योंकि नया क्रॉप मस्टर्ड का सामने है जिसकी वजह से कोई बड़ा लीक नहीं ले पा रहा है, बट फिलहाल मुझे लगता है प्राइस वापस करीबन समझो 7,500-8,000 तक के लेवल जो है वो जल्द वापस दिखा सकता है, तो थोड़ा संभल के रहिए, लोअर लेवल पे वॉल्यूम वापस लौटते हुए दिखा दीजिए। जी ये सर जी, बात करें अगर मेंथा की, तो मेंथा ऑयल में आपको क्या लगता है, मेंथा ऑयल में आगे अब क्या लेवल से रह सकते हैं? देखिए मेंथा में फिर से वॉल्यूम जो है 1,000 के नीचे आ गया हुआ, ये 850 के आसपास से कोई कुछ खास बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सिंथेटिक मेंथा के इम्पोर्ट भी हमने काफी बढ़ते हुए देखा है जो दर्शाता है कि जो नेचुरल मेंथा की प्राइसिंग काफी वोलेटाइल होने की वजह से जो इंडस्ट्री वाले हैं ये कहीं ना कहीं सिंथेटिक मेंथा पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइस अभी कंसोलिडेशन मोड में ही है जो 940 से लेकर 990 के बीच में ट्रेड करेगा। इस बार भी भाव लो होने की वजह से गुंजाइश ज्यादा है कि एरिया अंडर कल्टीवेशन जो हम लोग बोलते हैं सोइंग जो है फरवरी एंड में चालू हो जाती है, मार्च में चालू हो जाती है, यहाँ पे हम एक ड्रॉप देख सकते हैं जो एक मुख्य तेजी का कारण बनेगा, बट साथ ही इंडस्ट्री डिमांड सुधरना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि प्राइस और कंसोलिडेशन में है, बट लॉन्ग टर्म 990 का लेवल तोड़ेगा तो ही तेजी करेगा, नहीं तो 920 से 990 के बीच में ट्रेंड करेगा। जी अजय जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, टॉपिक्स का देना चाहेंगे आगे के लिए आप आने वाले समय के लिए जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है?
देखिए अगर पूरे कॉम्प्लेक्स एग्री कॉम्प्लेक्स की बात करें तो मुझे लगता है, देखिए मसाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट मसाले में मुझे करेक्शन पहले लगता है तेजी से, तो मैं वेट करना चाहूंगा जी। कैस्टर एक अच्छा कमोडिटी है, करंट मार्केट से भी लेके चलिए, 7150 का पहला टारगेट है, अगर ये तोड़ देता है तो 74-75 तक का भी लेवल आराम से देख पाएंगे जी। गवार कॉम्प्लेक्स हमने सितंबर अक्टूबर में कहा था ये काउंटर से निकल जाना चाहिए क्योंकि इसमें कोई बड़ा स्कोप दिखाई नहीं दे रहा था, और आप देख सकते हैं अक्टूबर का जो भाव था 6150-6200, आज भी भाव इधर उधर ही घूम रहा है, कोई बड़ी तेजी या बंदी नहीं कर पा रहा जी। हमारा भी न्यूट्रल टू वीक था, बट अब मुझे लगता है कि एक रिपोर्ट आज मॉर्निंग में आई है कि यूएस के अंदर प्रोडक्शन बढ़ सकता है क्योंकि जी ढंग से कैपिटल इंफ्यूजन की बातें हो रही है, एक बड़ा फिगर हो सकता है, बट आई थिंक वो मार्च में अपडेट आएगा, तो 15-20 मार्च के बाद आप गवार पे ध्यान रखिए। प्राइजेस टेक्निकली 6600 का लेवल तोड़ता है तो ये 7500 के लिए तैयारी कर लेगा, बट 15 मार्च के बाद, तब तक मार्केट रेंज में रहेगा, अच्छा मौका बनेगा, वहां पे बाइंग करके चल सकते हैं। एंड लास्ट रहेगा कॉटन सीड ऑयल के, जो मैं 3400 का वेट कर रहा हूँ, एक बार आइए 3400 का लेवल ब्रीच करता है तो ये भी 4000 पे जाने की तैयारी कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कॉटन सीड ऑयल के, कैस्टर और गवार, ये 3 काउंटर पे आपको ध्यान देना चाहिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो टॉपिक्स के तौर पर हमारे एक्सपर्ट द्वारा आपको टॉपिक्स दिए गए हैं ग्वार, कैस्टर और बिनौला खल। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।